मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर टू कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसमें कंपोनेंट्स ऑफ फूड कहने का अर्थ है कि हमारे फूड में क्या क्या चीज हम लोगों को प्राप्त होता है, वही कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो हम लोग खाना से जो हम लोग खाते हैं उससे हम लोग मुख्यतः न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? न्यूट्रिएंट्स। तो यही न्यूट्रिएंट्स हम लोगों को यानी कि जीवित रहने में और हमारे बॉडी को ग्रो करने में मदद करता है। यदि हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो हम लोग को न्यूट्रिएंट प्राप्त नहीं होगा, और न्यूट्रिएंट प्राप्त नहीं होगा तो हम लोगों का बॉडी का विकास नहीं होगा, और विकास नहीं होगा और हम लोग साथ ही साथ जीवित भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि खाना नहीं खाएंगे तो ऑटोमेटिक है कि हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। तो जो भी हम लोग खाना खाते हैं तो जो न्यूट्रिएंट प्राप्त करते हैं, तो न्यूट्रिएंट क्या होता है? तो न्यूट्रिएंट को हम लोग कह सकते हैं द कंपोनेंट ऑफ द फूड व्हिच हेल्प्स अस इन ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। यानी कि खाना का वह कंपोनेंट जो हमारे ग्रोथ में मदद करता है और साथ ही साथ हमें जीवन जीने में मदद करता है, यानी कि हमारे जीवन को संचालित ढंग से चलने में मदद करता है, उसी को हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। यदि हम लोग न्यूट्रिएंट प्राप्त नहीं करें अपने खाना से तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। तो न्यूट्रिएंट्स मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसमें रफेज और वाटर भी शामिल है, हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें रफेज और वाटर भी शामिल रहता है। हालांकि मुख्यतः हम लोगों को यह 5 प्रकार के खाना है, 5 प्रकार के न्यूट्रिएंट हैं जो हमें खाना से प्राप्त होता है। पहला है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। यह कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो न्यूट्रिएंट हैं, यह न्यूट्रिएंट हम लोगों को एनर्जी देने का काम करता है, एनर्जी यानी कि ऊर्जा देने का काम करता है। यदि हम लोगों के खाना में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ना हो तो हम लोगों को एनर्जी नहीं मिलेगा, और एनर्जी नहीं मिलेगा तो हम लोग नहीं काम कर पाएंगे, हम लोग पढ़ भी नहीं पाएंगे, हम लोग चल नहीं पाएंगे, हम लोगों का बॉडी का विकास यानी कि कोई भी क्रियाकलाप हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए यह कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो न्यूट्रिएंट्स हैं, यह न्यूट्रिएंट्स को हम लोग एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। अब हमारे खाना में ऐसा तत्व तो भी होना चाहिए जो हमें बॉडी बनाने में मदद करे। अब बॉडी बनाने में मदद करने वाला न्यूट्रिएंट है प्रोटीन, इसीलिए इसको बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट कहेंगे प्रोटीन्स को। प्रोटीन्स जो हमारे खाना में जो प्रेजेंट रहता है वह हमारे शरीर में मांसपेशियां यानी कि मांस बनाने में मदद करेगा, हमारे बॉडी बनाने में मदद करेगा। देखते हो बॉडी बिल्डर सब जो बॉडी बनाया हुआ रहता है, तो वह प्रोटीनेक्स जो मार्केट में मिलता है, प्रोटीनम, प्रोटीन वाला चीज ज्यादा खाने को कहा जाता है यदि हमारे शरीर में हम लोगों को बॉडी बनाना है तो। इसीलिए प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हो गया एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स हो गया बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, और ये विटामिन्स और मिनरल्स जो है जो हम लोगों को रोगों से बचाने का काम करता है, यानी कि विभिन्न प्रकार के बीमारियों से बचाने का काम करता है। यानी कि हमारे शरीर में एक ऐसा सिस्टम है जिससे हमारा बॉडी रोगों के खिलाफ लड़ता है, हमारे शरीर में इम्यूनिटी है। तो वह इम्यूनिटी कौन प्रदान करवाता है? विटामिन्स और मिनरल्स, और साथ ही साथ यह विटामिन्स और मिनरल्स हमारे ग्रोथ में भी मदद करने का काम करता है। तो इसीलिए विटामिन्स और मिनरल्स को प्रोटेक्टिव फूड्स कहा जाता है, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। और ये हो गया बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट। और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स इन दोनों को एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। यानी कि हम लोग जो भी खाना खाएंगे तो यही 5 मुख्य न्यूट्रिएंट हम लोग को प्राप्त होगा। अब हम लोग जानते हैं रफेज। हालांकि रफेज न्यूट्रिएंट के कैटेगरी में नहीं है, लेकिन हमारे खाना में प्रेजेंट रहता है। यह हम लोग को किसी भी प्रकार का एनर्जी या बॉडी बनाने का या प्रोटेक्टिव तरह से जो है यानी कि किसी भी तरह से यह हम लोगों को लाभदायक तो नहीं है, लेकिन हमारे खाना में रफेज होना अति आवश्यक है। जैसे कि हम लोग संतरा खाते हैं तो संतरा का जो एथी होता है अंदर का,
वह हम लोग को खाना चाहिए। उसका जूस बनाकर पीने से अच्छा है कि हम लोग संतरा खाएं। हम लोग बेदाना जो खाते हैं अनार, तो बेदाना का जो है यानी कि दाना खाने में जितना फायदा है उतना उसका जूस पीने में नहीं है। यानी कि हम लोग जो बहुत सारे साग सब्जी जिसको छील कर खाते हैं, जैसे कि हम लोग है ना खीरा खाते हैं, तो खीरा का जो ऊपर का छिलका छील देते हैं तो ऊपर के छिलका में उसमें रफेज पाया जाता है, वो बहुत ही फायदेमंद होता है। जैसे आलू, जो आलू का छिलका कितना आदमी अपने खाना में से फेंक देते हैं, वास्तव में हम लोग आलू का छिलका नहीं फेंकना चाहिए, उसको खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? क्योंकि उसमें रफेज रहता है, हालांकि वो कोई न्यूट्रिएंट हम लोग को नहीं देता है, किसी भी प्रकार का विशेष लाभ नहीं है, लेकिन उससे यह लाभ है कि वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को साफ रखने में मदद करता है, इसीलिए हमारे खाना में रफेज होना जरूरी है। अब हम लोग कभी भी, बच्चों तुम लोग भी खाना खाना तो आलू का छिलका मत हटाना, आलू का छिलका हटाने से रफेज निकल जाएगा, रफेज निकल जाएगा तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम साफ नहीं हो पाएगा, तो उसमें कब्ज जैसे बीमारी हो जाती है, खाना अच्छा से पचेगा नहीं, यानी कि उसमें जो है एक्सक्रेशन जो प्रक्रिया है वो क्लियर नहीं हो पाता है, इसीलिए हमारे खाना में रफेज भी होना जरूरी है। और पानी का होना तो जरूरी है ही, क्योंकि पानी वह माध्यम है जो पचाने में और विभिन्न प्रकार के कार्यों में हमारे शरीर में मदद करता है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स इनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट है। याद रखना बच्चों कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स इनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट, प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है, विटामिन्स और मिनरल्स प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं। अब इन सभी न्यूट्रिएंट्स के बारे में एक एक करके हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।